बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे बालाघाट जिले के जंगल में रहने वाले आदिवासियों को फ्री में राम कथा सुनाने की बात कर रहे हैं। उनके इस बयान को लेकर पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके ने नाराजगी जाहिर की है, साथ में परसवाड़ा थाना पहुंचकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विरुद्ध लिखी शिकायत भी कर FIR दर्ज किए जाने की मांग की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि छतरपुर निवासी कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा आदिवासी समुदाय को जंगल में रहने वाले आदिवासी कहकर संबोधित किया गया, जिससे आदिवासी समुदाय आहत हुआ है। इसी को लेकर उनके द्वारा एक लिखित शिकायत थाने में दी गई कि जंगल के रहने वाले आदिवासियों के बीच वनवासी राम कथा की जाएगी और निःशुल्क मुफ्त में कथा सुनाया जाएगा। तो जंगल के रहने वाले आदिवासी समुदाय, जबकि अच्छे बड़े बड़े नौकरी में हैं, IAS हैं, IPS हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, कुंवर विजय शाह इस मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री हैं और भी अच्छे अच्छे मिनिस्टर हैं, और मध्य प्रदेश में मंगू भाई पटेल जी राज्यपाल हैं और द्रौपदी मुर्मू जी भी राष्ट्रपति हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जंगल के आदिवासी कहना, भारत भर के आदिवासियों का अपमान किया है। उन्हें कहना था कि गांव में रहने वाले आदिवासी कहना था उनको, या भारत के रहने वाले आदिवासी कहना था, किंतु उनके द्वारा इस टाइप का संबोधन करना, समूचे आदिवासी समुदाय को एक नीचा दिखाना, आहत करना, अपमानित भरे शब्दों का प्रयोग करना धीरेन्द्र सिंह शास्त्री के नेचर में है। वो आए दिन विवादित भाषण देते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी संस्कृति है, संस्कार है, भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। उनकी संस्कृति को आप बढ़िया रखें और सामंजस्य बनाएं, भाईचारा बनाएं, और किसी के खिलाफ में किसी प्रकार का आहित या अपमानजनक बात ना कहें। अगर उनको परसवाड़ा क्षेत्र में आना है तो सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सबके लिए बात करें, हम उन्हें मना नहीं करते। पर्टिकुलर एक ही समुदाय को टारगेट करके चलना और ये ऐसी हरकतें करना ओछी बुद्धि की मानसिकता को दर्शाता है।